नमस्कार दर्शन मित्रों, मैं इंडिया टीवी 365 से पूनम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज यहां पे उधना में महादेव भीड़ भंजन महादेव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया है। यहां पे जो हमारे महंत जी हैं, मैं उनसे बात करती हूं कि किस वजह से यहां पे भंडारे का आयोजन किए। सर आपका नाम? महादेव पूजा सभी भक्तजनों को आज अमावास के दिन आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये मात्सर मास जो है वो शिव जी को भी अति प्रिय है और ये भीड़ महादेव उतना गाँव में मात्सर मास का बहुत ही महत्व है। 80 से 85 वर्षों से भक्तजनों यहाँ टीका कंवर की पूजा करते हैं, पूरा 8 महीने यहाँ पे शिव पूजा में हिस्सा लेते हैं और अंतिम दिन है ये अक्सर मास का अमावस्या के दिन। तो यहाँ अमावस्या के दिन भंडारा का आयोजन होता है भक्तजनों की ओर से, भगवान को महाभोग प्रसाद चढ़ाकर फिर यहाँ। तो आप सोचिए कि पेड़ इतने सालों से कार्यक्रम चलता रहा है, तो कभी कभार ये कोरोना जैसी महामारी से कभी रुकावट होती है, तो ये अच्छी तरह से कार्यक्रम करता है। बहुत सारे भक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और राणा समाज के अग्रणी से जगदीश भाई राणा जी एवं बहुत सारे हमारे हरि का सूर्यवंशी जी बड़े जो भी है यथा शक्ति योगदान देके सफलता देते हैं। उसके परंपरा से चले आई है और उनकी खुद की जो प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर जयेश भाई महाराज के हम जानते हैं, हमने हमारी समझ है वहाँ तक हम बताते हैं कि यहाँ पर हर शनिवार को 2000 आदमी का भंडारा करते हैं जयेश भाई महाराज की और भक्तों की ओर से, और हर मास के अंदर ये भंडारा होना है और ये अभी बागसर महीना चल रहा है, तो बागसर महीने के अंदर ये जो हमारा जो साथी मित्र है जगदीश भाई राणा, तो जगदीश भाई राणा जी भी आज बहुत बड़ी सहयोग है, वो सहयोग की ओर से आज 2000 लोगों के आज महाप्रसादी का आयोजन किया है। वो आयोजन के अंदर अच्छी तरह से शांतिपूर्वक भोजन सब भक्तों ले रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं, और मेरा ये कहना है कि इस मंदिर के अंदर ये जयेश भाई महाराज जैसे लोग नहीं हुए तो ये मंदिर की अभी अस्तित्व नहीं रहे, पर ये जयेश भाई जो महाराज है उसके जो पिताजी थे उसके पर दादा थे, जो सारे जो लोग थे ये मंदिर का अस्तित्व और मंदिर का अखंडता रखने के लिए आज जयेश भाई के विषय से लेकर आज ये मंदिर के निर्माण के लिए और मंदिर के कार्य के लिए और सारा ये चीज़ के कितना भी सामना करना पड़ता है, तो कष्ट उठा के भी भगवान महादेव की रक्षा करने के लिए पर्यावरण जी की रक्षा करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम सब सच्चाई के ध्यान पर रख के हम सब लोग जयेश भाई महाराज को समर्थन देते हुए योगदान विस्तार के लोग, सूरत शहर के लोगों के विस्तार के लोग, सब हर भक्तों हरि भक्तों सब उनको समर्थन देते हैं और समर्थन के अंदर आज बात हो गई लिख रहे हैं कि कार्यक्रम इसी तरह से होता रहता है होता रहेगा और कोरोना काल के अंदर जयेश भाई भट्ट महाराज ने रोज से 5000 के 10000 लोगों का खाना उतना विस्तार के अंदर खाना पहुँचाया था, घर घर जाकर खाना पहुँचाया था, बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर कलेक्टर श्री ने भी उसको अवॉर्ड दिया है और बताया है ये जो महान लोग इतना कार्य करते हैं उसके लिए उसको प्रमाण पत्र भी दिया गया है। इसके लिए मैं जयेश को ये सारा जो कार्य है ये सारी चीज़ का जो ये है ये सब जयेश को भरपूर जाना चाहिए। ये चैनल के माध्यम से आप भक्तों को क्या बताएंगे? चैनल से माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भारत भर के अंदर ये प्राचीन मंदिर की जो ये है तो हरी
भक्तों लोग यहाँ आते जाते हैं और हर शनिवार को भंडारा होता है। तो हम मानते हैं कि आपके इंडिया न्यूज़ जो टीवी है और सच्चाई बताती है, तो हर भक्तों के हम उठाएगी। ऐसे में आपके दोस्त है वो सभी का आप उनके ओर से आए हैं, हमारा इंटरव्यू सभी का अभिवादन करता हूँ।